हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मालदीव ने भारत से सटी समुद्री सीमा पर उड़ाया तुर्की का किलर ड्रोन। आखिर क्यों इंडिया के लिए खतरे की घंटी है? जी हां, जहरीले मुंजू के इशारे पर मालदीव की सेना की नापाक चाल, तुर्की के किलर ड्रोन से शुरू कर डाली निगरानी। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, साथ ही बताएंगे पीएलए की तैयारियों से भी नहीं है खुश जिनपिंग को नहीं चीन की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा क्षमता पर भरोसा। जी हां, आखिर क्यों दोस्तों, साथ ही साथ भूटान का प्रधानमंत्री के बाद पहले ही विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे टोब के पीएम मोदी जी से की मुलाकात। साथ ही साथ बताएंगे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर पर लगी चोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा उनके चोट को लेकर। दोस्तों बताएंगे आपको सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से और पुरजोर समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव ने भारत से सटी समुद्री सीमा पर उड़ाया तुर्की का किलर ड्रोन। आखिर क्यों इंडिया के लिए है खतरे की घंटी, बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मुजू के इंडिया आउट का मंसूबा अब साफ साफ दिखने लगा है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने तुर्की से खरीदे गए ड्रोन से समुद्री क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी है। MNDF ने वीडियो भी साझा किया, जिसमें तुर्की के साथ हुए समझौते के तहत खरीदे गए ड्रोन को उड़ान भरते हुए देखा गया है। एविएटर्स मालदीव की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में बाइकर TB2 ब्रांड का ड्रोन उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया। इस ड्रोन को नूनू मफारू में संचालित किया गया था। MVR 560 मिलियन समझौते के तहत खरीदे गए तुर्की के ड्रोन पिछले हफ्ते मालदीव पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये ड्रोन्स भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। दरअसल भारत के लिए चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन ड्रोन विमानों का इस्तेमाल मालदीव भारत से लगती समुद्री सीमा की निगरानी में करेगा। माना जा रहा है कि इन ड्रोन को मुजू इसलिए लाए हैं ताकि भारत के डोर्नियर विमानों को इससे रिप्लेस कर सके। जी हां, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, इस जहरीले मुजू के इशारे पर मालदीव की सेना की नापाक चाल, तुर्की के किलर ड्रोन से आते ही शुरू कर दी निगरानी। जरा भी देर नहीं लगाया दोस्तों, जिस दिन ये ड्रोन पहुंचे उसी दिन से निगरानी शुरू कर दी। ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा मुजू चीन के वश में हो चुका है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां जिनपिंग को नहीं है चीन की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा क्षमता पर भरोसा। पीएलए की इतनी तैयारियों से भी ना खुश है जिनपिंग, बता दें। दुनिया को कोरोना महामारी के प्रकोप में डुबाने के बाद से ही चीन के अपने हालात कुछ भी ठीक नहीं है। 8 मार्च को नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संप्रभु हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही आंतरिक और बाहरी खतरों से लड़ने के लिए देश की तैयारियों पर अपनी नाखुशी का स्पष्ट संकेत दिया। 170 सदस्यीय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी में देश की सुरक्षा स्थिति पर राष्ट्रपति शी के विचार ऐसे समय आए हैं जब बीजिंग अपनी सैन्य क्षमता को लेकर दुविधा में है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा बरकरार रखने की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि ताइवान पर जबरन कब्जा करने की उसकी तैयारी असंबद्ध प्रतीत होती है। पीपुल्स डेली के अनुसार हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए की तैयारियों पर अंकुश न लगाया हो, चिंता व्यक्त न किया हो। अगली खबर बता दे, भूटान के प्रधानमंत्री बनने के जस्ट बाद यानी पहली बार विदेश यात्रा पर गए भी तो गए भारत, यानी भारत आए हैं दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री टोबगे पीएम मोदी जी से की उन्होंने मुलाकात। जी हां, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे अपनी पहली विदेश यात्रा पर आज भारत पहुंचे। भूटान का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का ही चयन किया, इससे चीन परेशान हो उठा है। हालांकि ऐसा पहले भी होता रहा है, चीन को इस बीच भारत और भूटान के बीच रक्षा सहयोग होने की सबसे बड़ी चिंता रही है। बता दें कि चीन से भूटान परेशान है। चीन ने अभी कुछ समय पहले ही भूटान के एक भूभाग पर अराजकता फैलाई है। भूटान की ओर से किए गए दावे के अनुसार चीन ने उसके एक भूभाग पर कब्जा कर लिया है। टोबगे ने बृहस्पतिवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की, जो कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भूटानी समकक्ष के साथ व्यापक वार्ता की। इससे पहले टोबगे का राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और भूटान के बीच मित्रता के अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग भूटान के पीएम को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दे, भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही अमेरिका की धरती। FBI से मिले भारतीय मूल के लोग। जी हाँ, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने FBI और न्याय विभाग और पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारतीय मूल के लोगों ने आरोप लगाया कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए अमेरिका की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सिलिकॉन वैली में मुलाकात करने वाले भारतीयों के समूह में समुदाय के कई प्रमुख लोग शामिल रहे। इन लोगों ने अमेरिका में हिंदू समुदायों के लोगों के खिलाफ बढ़ रहे घृणा अपराध के मामलों पर चिंता जाहिर की और कार्रवाई की मांग की है। भारतीय दल का नेतृत्व समुदाय के
नेता अजय जैन भुतोरियो ने किया। बैठक में अमेरिका में हिंदू और जैन मंदिरों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया गया। साथ ही इस बात से नाराजगी जाहिर की गई कि कानूनी एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय मूल के लोगों ने आरोप लगाया कि कानूनी एजेंसियां अमेरिका में बैठकर भारत में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, किश्तवाड़ा में बहुत बड़ा हादसा, बेकाबू होकर खाई में गिरा वाहन, चार लोगों की मौत की खबर। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा हो गया। जिले में गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि किश्तवाड़ में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिससे गाड़ी खाई में जाकर गिर गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि चारों मृतकों की पहचान की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ा, राजौरी और पुंछ के पहाड़ी जिलों में हादसे से बचने के लिए चालकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है, फिर भी ड्राइवर वहां पर तेज रफ्तार से वाहन को चलाते हैं जिस वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। जी हां, अगली खबर बता दें, अमेरिका भी बैन करने जा रहा है टिकटॉक, चीन हुआ आग बबूला। जी हां, कल जो खबर थी वो ये था कि बैन करने वाला है टिकटॉक को अमेरिका, लेकिन अब इस मुद्दे पर चीन आग बबूला होते हुए बड़ा बयान दिया है। दोस्तों क्या बयान दिया है आपको बता दें, अमेरिका में चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर बड़ा फैसला लिया गया। बुधवार को वहां के निचली सदन प्रतिनिधि सभा में इस एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद से चीनी सरकार बौखलाई हुई है। वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीनी प्रवक्ता का कहना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि टिकटॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है, वो हमसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में खीज में बस ये फैसला लिया गया है, दुश्मनी निकालने के लिए फैसला लिया गया है, हमको नीचा दिखाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की ओर से टिकटॉक के सामने दो विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प तो ये था कि आगामी 6 महीने में इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन को उन्हें बेच दिया जाए, नहीं तो वो अमेरिका में इसे प्रतिबंधित कर देंगे। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। अगली खबर आपको बताते हैं, यूएनएससी में स्थायी मेंबरशिप के दो प्रमुख दावेदार भारत और ब्राजील की 2+2 वार्ता से घबराया चाइना, क्या है रणनीति बताते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता के दो प्रमुख दावेदार देशों, बोले तो भारत और ब्राजील के बीच दोस्ती बढ़ता देख चीन की हवा खराब होने लगी है। दोनों ही देश मजबूती से कई बार यूएनएससी में अपना दावा पेश कर चुके हैं। भारत और ब्राजील इस वक्त दोनों ही दुनिया में उभरती महाशक्ति के तौर पर पहचाने जाते हैं। इस बीच नई दिल्ली में भारत और ब्राजील ने बृहस्पतिवार को रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय पहली 2+2 वार्ता की। इससे चीन जैसे दुश्मन परेशान होने लगे। भारत और ब्राजील ने ऊर्जा से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी एवं आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत में सहयोग के विभिन्न अहम मुद्दों क्षेत्रों पर चर्चा हुई। ऐसे में चीन का जलना तो तय ही माना जा रहा था। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, नवाज शरीफ के बेटों को मिली बड़ी राहत, पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी वारंट हो गया रद्द। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को एक एंटी करप्शन कोर्ट ने नवाज शरीफ के दोनों बेटों के खिलाफ परमानेंट गिरफ्तारी के वारंट को रद्द कर दिया है, जो हाल ही में 7 साल के आत्मनिर्वासन के बाद ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे हैं। 2016 पनामा पेपर्स स्कैंडल में नाम आने के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज ने 2018 में मुल्क छोड़ दिया था। उन पर पनामा पेपर्स से संबंधित भ्रष्टाचार के 3 आरोप लगे थे, लेकिन वे कभी कोर्ट के सामने पेश तक नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। इस्लामाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट की ओर से 7 मार्च को दोनों के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी वारंट को गुरुवार तक निलंबित करने के बाद दोनों भाई मंगलवार को पाकिस्तान लौट आए। अब खबर आ रही है कि हसन और हुसैन गुरुवार को इस्लामाबाद स्थित अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश हुए। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फ्लैगशिप अल अर्जीजिया और एवन फील्ड भ्रष्टाचार मामलों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है। जी हां, तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, पहले तो ये मामला 2016 में उठा, उसके बाद 2018 में ये दोनों लड़के ब्रिटेन भाग गए दोस्तों और भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया। अब जब ये वापस आए हैं तो इनकी सजा भी रद्द कर दी गई दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट भी रद्द कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब सरकार ही तुम्हारी है तो तुम जो करो वही ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों पाकिस्तान के कोर्ट से भी जो लगातार खबरें आती है दोस्तों, अब पाकिस्तान के कोर्ट्स पर से भी भरोसा लोगों का उठ गया है। आप क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, कंगाल पाकिस्तान को बचाएगा चाइना, विदेशी ऋण संकट से उबरने में करेगा मदद, दिया भरोसा। जी हां, विदेशी कर्ज से दबे और आर्थिक तौर पर मुश्किल हालात का सामना कर रहे पाकिस्तान की मदद के लिए चीन सामने आया है। लाहौर में चीन के महावाणिज्य दूतावास के अनुसार चीन वित्तीय सहायता देकर पाकिस्तान को उसके विदेशी ऋण संकट से उबरने में उसकी मदद करेगा। चीन के काउंसिल जनरल झाओ शिरेन ने पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बीजिंग ने कभी भी इस्लामाबाद पर ऋण चुकाने के लिए दबाव नहीं डाला है, जबकि भुगतान की तारीख करीब आने से उस पर $2 अरब से अधिक का कर्ज हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि चीन का $2 बिलियन का ऋण पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रिजर्व के करीब 1/4 के बराबर है, जो लगभग $7.9 बिलियन है। नेक्स्ट खबर बता दें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहते हैं इस्लामी चरमपंथी, ब्रिटेन सरकार ने कहा यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। जी हां, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के
हमलों के बाद उसे बढ़ते खतरों और इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ ब्रिटेन सरकार ने नई परिभाषा जारी की। ब्रिटेन में उग्रवाद को अब हिंसा, घृणा या असहिष्णुता पर आधारित विचारधारा के रूप में परिभाषित किया गया है। यूके लेवलिंग अप और कम्युनिटी सेक्रेटरी माइकल गोव ने कहा कि ब्रिटेन को एक बहुराष्ट्रीय, बहुजातीय, बहुविश्वास लोकतंत्र के रूप में सुरक्षित रखने के लिए अपडेट करने की जरूरत थी जो इसकी विविधता को मजबूत करेगा। उन्होंने विस्तारित परिभाषा के तहत चरमपंथ विचार रखने की आशंका वाले लोगों के उदाहरण के रूप में 3 इस्लामिक समूहों और 2 अन्य समूहों का भी नाम लिया है। नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर कौन है हमास के मेंढक जिन्होंने इजराइल में घुसकर आर्मी बेस पर देर रात किया अटैक, 5 महीने में दूसरा बड़ा हमला। जी हां, इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस लड़ाई का केंद्र फलस्तीन का गाजा शहर बना हुआ है। इजरायली सेना यहां हवाई और जमीनी हमले करके शहर को कब्रिस्तान बनाने पर तुली है। इजराइल का लक्ष्य है कि हमास का पूर्ण खात्मा हो। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले साल 7 अक्टूबर को देश पर हुए हमले के लिए हमास पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। गाजा पर चल रहे कत्लेआम के बीच इजराइल के आर्मी बेस पर बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली मीडिया ने इस हमले के लिए हमास की फ्रॉगमैन यूनिट को जिम्मेदार ठहराया है। ये पहली बार नहीं है जब हमास की इस यूनिट ने इजराइल में घुसकर हमला किया हो। अक्टूबर महीने में भी ये यूनिट ऐसा कारनामा कर चुकी है। समाचार रिपोर्टों से पता लगता है कि हमास की मेंढक यूनिट समुद्र के रास्ते इजराइल में दाखिल हुई और असैन्य अड्डे पर हमला करके गाजा भाग गई। इस दौरान इजरायली सेना के इस यूनिट के बीच गोलीबारी की घटनाएं भी आई है। साथ ही साथ आपको बता दे दोस्तों, शमशान बन चुके गाजा में 9,000 महिलाओं की अब तक मौत की खबर है। हर दिन 160 से ज्यादा बच्चे को दे रही है जन्म। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच गाजा पट्टी से हैरान करने देने वाली बात सामने ये आई है कि इजरायली हमले में तबाह हो रहे गाजा के हालात काफी बुरे हैं। यहाँ 60,000 से भी ज्यादा गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। गाजा शहर में गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा काफी ज्यादा है। यहाँ हर दिन 160 से ज्यादा महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं। ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच महिलाओं की बेहद कठिन हालातों में डिलीवरी हो रही है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दे, खतरनाक है किम जोंग उनके इरादे, खुद की टैंक की सवारी, अमेरिका को भी दी धमकी। जी हाँ, उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग उन नवनिर्मित युद्धक टैंक के संचालन संबंधित प्रशिक्षण में अपने सैनिकों के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टैंक भी चलाया और दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक करार दिया। देश की सरकारी मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम जोंग उन ने टैंक चलाकर बहुत संतुष्टि व्यक्त की है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के युद्धक टैंक प्रशिक्षण को दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष होने वाले सैन्य अभ्यास के जवाब में रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास बृहस्पतिवार देर शाम समाप्त होना है। उत्तर कोरिया का मानना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका का यह अभ्यास उस पर हमला करने की तैयारियों का हिस्सा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किया किनारा, द्वीपीय राष्ट्र का बड़ा संकट, पर्यटन उद्योग ने की ये मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत और पड़ोसी मालदीव के बीच हाल के दिनों में जारी खटास के बीच द्वीपीय राष्ट्र में पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों बहुत हद तक गिर गई है। इसका असर मालदीव के पर्यटन उद्योग पर पड़ना शुरू हो गया है और मांग उठने लगी है कि भारत के साथ संबंधों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। 2023 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक थी, पर 2024 भारतीय पर्यटकों की संख्या 6 नंबर पर पहुंच गई। इससे पर्यटन पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मालदीव के 3 अधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया था। बीते 6 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भारत के पश्चिमी तट पर प्राचीन लक्षद्वीप के द्वीपों की तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए थे। नेक्स्ट खबर बता दें, फिर एक बार आमने सामने होंगे जो बाइडेन और ट्रंप, अमेरिकी इतिहास में 68 साल बाद होगा ऐसा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर लिया, वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। इसी के साथ दोनों ने अपने अपने दलों की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की ओर कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन जो 81 साल के, उन्होंने जॉर्जिया में पार्टी के प्राइमरी चुनाव में आसानी से जीत हासिल की और अब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी के संभावित उम्मीदवार बन गए हैं। जो बाइडेन को कुल 3,933 डेलीगेट यानी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी सदस्य में से आधे से अधिक का समर्थन मिल चुका है। डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के लिए 1968 डेलीगेट के समर्थन की जरूरत है। मंगलवार के नतीजों ने 2024 के आम चुनाव अभियान के लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब सिर्फ 8 महीने से कम का समय बचा हुआ है। यह आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला अभियान होगा। बहरहाल जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, आप किसको राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, अमेरिका का कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके पास इन दोनों में से किसी को भी नहीं बनाने का भी ऑप्शन है दोस्तों, तो बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दे, पाकिस्तान में पायलट और क्रू मेंबर नहीं रख सकेंगे रमजान में रोजा, ये है असली वजह। दरअसल पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन सेवा PIA ने फ्लाइट पर ड्यूटी के दौरान अपने पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट्स के रमजान में रोजा पर रखने पर रोक लगा दी है। PIA ने एक मेडिकल सिफारिश का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपवास करने पर डिहाइड्रेशन, आलस और सुस्ती महसूस करता है। कॉर्पोरेट सेफ्टी मैनेजमेंट और एयर क्रू मेडिकल सेंटर दोनों ने सलाह दी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को
फ्लाइट पर ड्यूटी के दौरान उपवास नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिकी कांग्रेस समिति 20 मार्च को करेगी पाकिस्तान चुनाव धांधली पर बहस। जी हां, अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने कहा है कि वो पाकिस्तान में पिछले महीने हुए चुनावों पर 20 मार्च को बहस करेगी। इन चुनावों में धांधली का आरोप लगा है। बहस का शीर्षक है, चुनावों के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र के भविष्य का परीक्षण और अमेरिका पाकिस्तान संबंध। ये शीर्षक है दोस्तों। दो दर्जन से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद 20 मार्च को दक्षिण एशियाई देश पर बहस की घोषणा की गई। चुनाव में धांधली के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। अगली खबर बता दें, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत के चारों ओर मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है चाइना। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबे रखने वाला चाइना अब हिंदुस्तान के चारों ओर मजबूत पड़ोसी देशों में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में है। अमेरिका के इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों के अलावा क्यूबा, मित्र राष्ट्र यूएई, सेशेल्स, ताजिकिस्तान और तंजानिया भी मिलिट्री बेस बनाने की संभावना पर काम कर रहा है। चीन के इस कदम का मकसद अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के खुलासे से भारत के लिए टेंशन बढ़ गई है, जो हिमालय में पहले ही चीन के खतरे से जूझ रहा है। भारत ने हाल ही में चीन की सीमा पर 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। अब दोनों देशों की ओर से करीब 60,000 सैनिक आमने सामने हैं। यही नहीं, चीन की कोशिश है कि अमेरिका को चेतावनी दी जाए और इसी वजह से क्यूबा और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मौजूद देश इक्वेटोरियल गिनी में सैन्य अड्डा बनाने की संभावना पर काम कर रहा है। अफ्रीका के ठीक दूसरी ओर अमेरिका है और इसी वजह से चीन की नजर इस देश पर है। इससे पहले चीन ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर जिबूती में नेवल बेस बनाया था। यहां बड़ी तादाद में सैनिक मौजूद हैं। अगली खबर बता दें, अमेरिका से आई बहुत अच्छी खबर भारत के लिए। भारत की तरक्की में बनी रहेगी तूफानी तेजी, लेकिन चीन को लेकर बहुत बड़ी चिंता की खबर। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी के साथ ग्रो कर रही है, सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बन गई है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ने इसकी सराहना की है। अब एक और गुड न्यूज आई है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच यानी फिच की रेटिंग्स ने भारत पर भरोसा जताते हुए देश के GDP ग्रोथ अनुमान यानी इंडियन GDP ग्रोथ में बदलाव करते हुए इसे और बढ़ा दिया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि FY25 में इंडियन इकोनॉमी 7% की दर से आगे बढ़ेगी। फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में भारत के GDP अनुमान में बदलाव किया है। ग्लोबल एजेंसी ने पहले इंडियन इकोनॉमी की GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान जाहिर किया था, लेकिन बाद में 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो वहीं चाइना को फिर एक बार बड़ा झटका मिला है। फिच के मुताबिक देश के रियल एस्टेट सेक्टर और अन्य वित्तीय चिंताओं के बीच चीन के वित्त वर्ष 24 के GDP ग्रोथ पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर 4.5% कर दिया गया है। यानी कि चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार दोस्तों घट रहा है और भारत लगातार ग्रो कर रहा है, और आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि चीन से भी आगे निकल जाएगा अपना भारत। मानते हैं कि नहीं दोस्तों? और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जापान के टोक्यो में भूकंप के तेज झटके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 मापी गई है। फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है। जापान के टोक्यो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन से 68 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तानी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का बड़ा ऐलान, कहा सीमा पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में घसीटेंगे। जी हां, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा है कि पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जेवर थाने में सीमा के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया है। शिकायती पत्र पर जेवर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्द से जल्दी सीमा और सचिन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह पुलिस के खिलाफ कोर्ट में अर्जी देंगे। गुलाम हैदर की लगातार मदद कर रहे सूरज वर्मा ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में ये बात कही है। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर पर लगी गंभीर चोट, पीएम मोदी ने जल्द की स्वस्थ होने की कामना। जी हां, सीएम ममता बनर्जी चोटिल हो गई है। टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। टीएमसी ने लिखा है कि हमारी चेयरपर्सन को गंभीर चोटें आई हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। सीएम ममता की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उनके माथे से खून निकलता दिखाई दे रहा है। उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनके सिर में टांके आए हैं। इसके बाद उन्हें घर लेकर जाया गया। जी हां, पीएम मोदी ने सीएम ममता को चोट लगने की जानकारी के बाद उनके लिए प्रार्थना किया है। पीएम मोदी ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आप यह ट्वीट देख पा रहे होंगे पीएम मोदी जी का, सामने आया था कि सीएम ममता बनर्जी अपने घर पर ट्रेडमिल पर वॉक करते समय गिर गई थी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी उनको अस्पताल लेकर गए। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी इसके पहले भी कई हादसों का शिकार हो चुकी है। इसमें ममता बनर्जी को चोट लगने पर आपका कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, पश्चिम बंगाल से भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त, कम होगी TMC की सीटें।
बंगाल में बड़े उलटफेर के संकेत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि सर्वे में सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, इसके बावजूद पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे कराए जा रहे हैं। लोगों का मूड जानने के लिए हाल ही में एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में पश्चिम बंगाल राज्य को लेकर भविष्यवाणी की गई है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए पश्चिम बंगाल की 42 में से 25 सीटें जीत सकता है। दूसरी ओर राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी को 17 सीटें जीतने का अनुमान है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को कोई सीटें नहीं मिलेंगी। ओपिनियन पोल में आगामी चुनाव में एनडीए और टीएमसी दोनों के लिए लगभग 42% वोट शेयर की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में इंडिया अलायंस के लिए 14% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगली खबर बता दें, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दोस्तों। 5 राज्यों में नहीं खुल रहा कांग्रेस का खाता, बीजेपी को कितनी सीटें बता दें। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में से सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। 57% वोट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि इंडिया अलायंस को 36% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा गुजरात की सभी 26, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा की जीत का अनुमान जताया गया है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक खुलने की संभावना नहीं है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले डोनर्स के नाम आए सामने। जी हाँ, ईसीआई ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था करने का आदेश। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। अब चुनाव आयोग ने SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन की मांग की गई है। आवेदन में 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण यानी क्लेरिफिकेशन, संशोधन यानी चेंजेस की मांग की गई है। हालांकि क्या संशोधन की मांग की गई है यह अभी पता नहीं चला है। जी हाँ, तो वही अगली खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के लिए ओडिशा से आया खास उपहार। राम भक्त से भेंट पाकर खुश हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ओडिशा से एक खास उपहार आया है, जिसे पाकर वो काफी खुश हैं। ओडिशा के कलाकार अरुण कुमार साहू ने गुरुवार को लकड़ी से बनी हनुमान चालीसा और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर भेंट की। अरुण एक कलाकार हैं और खुद को राम भक्त बताते हैं। उन्होंने लकड़ी की हनुमान चालीसा और सीएम योगी की तस्वीर खुद से निर्मित की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग कमेंट में जय श्री राम कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच आपको बता दें, 23 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन। किसान नेता ने कहा सरकार को गांव में घुसने नहीं देंगे। जी हाँ, देश भर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कई आंदोलन हो रहे हैं जो कि नजर नहीं आ रहे। जहां किसान संगठन कमजोर है वहां सरकार मजबूत है। ऐसे में गांव में बैठक करनी जरूरी है। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद से किसान संगठनों से कोई बातचीत नहीं की है और ये सरकार किसी पार्टी की नहीं बल्कि पूंजीवादियों की सरकार है। ये बातें भारतीय किसान यूनियन यानी BKU राकेश टिकैत ने कही है। वो रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में किसानों को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें, पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2 रुपए घटाए इनके दाम। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटे हुए दाम देश भर में शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। अब ऐसे में दोस्तों, 2 रुपए कम होने के बाद आपके क्षेत्र में पेट्रोल के भाव कितना हो गया दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हमें भी यहां से पता चल सके आपके यहां का जेन्युइन रेट। साथ ही साथ अंतिम खबर बता दें, कल ही थी आखिरी तारीख आधार कार्ड को अपडेट कराने की, लेकिन अब 14 जून तक फ्री में होगा आधार कार्ड से जुड़ा ये काम। जी हां, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 14 मार्च 2024 थी, लेकिन अब इसे जून तक बढ़ा दिया है। 3 महीने तक मुफ्त में आधार कार्ड को अपडेट कराने की तारीख बढ़ाई गई है। इस डेट के बाद आधार को अपडेट करने पर पैसे देने होंगे। बहरहाल दोस्तों, किस किस ने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया और जिन्होंने नहीं करवाया है वो जरूर अपडेट करवा लें अगर नीडेड हो तो। बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।